नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। संसद से विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन पर सपा के द्वारा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि सपा के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि संसद से 142 सांसदों का सवाल पूछने पर निलंबन कर दिया गया। हम लोग धरना के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि ये हिटलर व तानाशाही रवैया नहीं चल पाएगा। यहाँ लोकतंत्र से कार्य होता है। भाजपा लोकतंत्र की व्यवस्था को कुचलने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि सभी विपक्ष के सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, मनोरंजन यादव, अवधेश यादव, रूपावती बेलदार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं ने निर्णय लिया है कि जो संसद के अंदर 142 और अब 146 सांसद की संख्या हो गई, जिसको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जो सदन में लोग चुन कर जाते हैं वो अपना रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिटलर शाही के तहत अलोकतांत्रिक तरीके से 146 सांसदों का निलंबन हुआ है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आज इंडिया के और भारत के हर कोने में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यह धरना हो रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलर शाही है अब नहीं चलेगी, अब लोग सदन से लेकर के सड़क पर निकलेंगे। और ये तो अभी धरने से शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी होगा, धरना भी होगा, और अब समाजवादी लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे और लोकतंत्र संविधान को बचाएंगे और आ, आ, पूरी ताकत के साथ 2024 हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं गोरखपुर आया हूं, यहां पर काफी विकास देखने को मिला है, यहां पर शूटिंग के लिए सरकार पूरा सहयोग कर रही है, अब सभी काम आसानी से हो जाता है, कहीं दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है, गोरखपुर में काफी बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा, तारामंडल रोड बहुत सुंदर बना हुआ है, वहां पर कुछ पेड़ों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, अब हर जगह की सरकार फिल्मों को बनाने में मदद कर रही है क्योंकि इससे कारोबार बढ़ता है। उन्होंने कहा, यहाँ के सांसद रवि किशन मेरे पुराने दोस्त हैं और बहुत जिम्मेदार हो गए हैं, वो सिनेमा में संघर्ष करके दिखा दिए, लेकिन अब राजनीति में संघर्ष जारी है। मैं जब भी गोरखपुर आता हूँ तो देखता हूँ कि हमेशा कुछ न कुछ नया हो रहा है। उन्होंने वेब सीरीज पर कहा कि पहले एक शहर में 10 सिनेमा हॉल होते थे, अब हर घर सिनेमा हॉल है, कोई भी फिल्म आप घर बैठे देख सकते हैं, यदि सरकार फिल्मों को प्रमोट करे तो फिल्म और भी ज्यादा हिट होगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा, फिल्मों की शूटिंग करने वाले कहीं भी फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, तो गोरखपुर कर क्या चीज है, जरूरत पड़ेगी लोग करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी दे, एक विंडो बनाए जहाँ जा कर के प्रोड्यूसर अपने सारे काम करवा सकें, ये रहेगी दौड़ भाग, तो पॉसिबिलिटीज़ है। गोरखपुर काफ़ी चेंज हुआ है। आज मैं सुबह तारा मंडल रोड है वो जो बहुत ही ब्यूटीफुल, थोड़े पेड़ों की ज़रूरत है, थोड़े पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। कितना सर बदलाव देखने को मिला है पहले सरकारों में इसमें फिल्मों को लेकर? तो सरकार कहाँ गई सर, अब मतलब फिल्मों को कितना बढ़ावा मिला है अगर देखा जाए तो? फिल्मों को तो शुरू से बढ़ावा मिलता रहा है, आज से नहीं, बहुत सालों से। अब हर जगह की सरकार, हर स्टेट की सरकार थोड़ी अलर्ट हो गई है क्योंकि सिनेमा से कारोबार भी बढ़ता है और सरकार और कारोबार एक ही चीज़ है। आप कारोबार की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दुनिया को, बड़ी बात है, अच्छी बात है। आपके ही जो है फिल्म इंडस्ट्री के ही यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सांसद, उनके कार्य क्षेत्र में कितना देख रहे हैं क्या? देखिए, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं रवि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत ही पुराना, अपने बहुत जिम्मेदार हो गया है। मैं आज मिला था उससे, अलग
किस्म का जो एक लाइफ में लोग पूछते हैं ना संघर्ष, उसका एक और संघर्ष है। सिनेमा में तो उसने संघर्ष करके अपना दिखा दिया सब कुछ, अब बारी इसकी आई है। और मैं जब गोरखपुर आता हूँ और गोरखपुर को देखता हूँ, अचीवमेंट तो है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी के बारे में आप गुरुदत्त के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं भाई? हाँ, आप खुश हैं? बस अच्छी बात है। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आप किसे इंस्पायर हैं? अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा। 70 के दशक में हास्य अभिनेता एक बहुत बड़ा संकट माना था, और आज भी उसी लेवल पर हास्य अभिनेता क्या माना जाता था? हास्य अभिनेता वो एकदम इक्वल माना जाता था स्टार के करीब में। हाँ, आज भी उसी तरह। तो इस बदलाव में कुछ आपको लगा कि 70 के दशक में इस हास्य अभिनेता बदलाव का हुआ? उस समय भी महान था, आज भी महान है अभिनेता। अभिनेता महान होना चाहिए, अभिनेता बढ़िया होना चाहिए। वेब सीरीज जो है उसको लेके कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, पहले एक शहर में 10 सिनेमा हॉल होते थे, हर एक में एक एक पिक्चर लगते थे अलग अलग। अब हर घर सिनेमा हॉल हो गया है, हर घर में आप कोई भी फिल्म देख सकते हैं रिलीज होने के कुछ दिनों बाद। तो फर्क तो पड़ेगा ही, जब बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। इसमें कुछ निगेटिव है, कुछ अच्छा है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि पहले एक टाइम पर आप अभी भी कहीं कहीं पर जाते थे, एक सिनेमा हॉल में लोगों से मिलते थे, देखते थे फिल्म के रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया सब दिखती थी। अब घर में ही देख लेते हैं बीच बीच में रोक के। बॉम्बे एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, गोरखपुर भी इसी तरह बनता जा रहा है। इसमें कुछ आप यहाँ आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज भविष्य में क्या? मैंने कहा ना कि हर जगह की सरकार अगर सिनेमा प्रमोट करेगी, सिनेमा की शूटिंग प्रमोट करेगी, और सिर्फ फिल्म सिटी ऑफ सिनेमा प्रमोट ना करे, उसको रिलीज भी करे, तो हर जगह कोई भी बनाने आएगा फिल्म यार। रामगढ़ताल थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने थाना दिवस में आए मामलों को सुनते नजर आए, जिससे अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर निरीक्षण कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है कि नागरिकों की समस्याओं का 100% निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंजनी यादव, उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, लेखपाल आलोक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत के किसानों के नेता थे। वो मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रहते हुए भी बहुत सी अच्छे कार्य किया है, उन्होंने हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। बताया जाता है कि एक बार वो एक थाने में सामान्य आदमी बनकर पहुँच गए थे और जन समस्याओं के बारे में अपनी पीड़ा बताया। उस समय थानेदार का व्यवहार अच्छा नहीं था, जब जांच किया गया तो उन्हें पता चला कि अभी न्यायप्रिय व्यवस्था नहीं है, तब उन्होंने कठोर निर्णय लेकर कार्रवाई किया। उनकी हमेशा सोच रहती थी कि नागरिकों के समस्याओं का समाधान हो सके। इस अवसर पर सपा के महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी जो भारत में किसानों के नेता के नाम से विख्यात हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम जो भी योजनाएं चलाया, वो देश के पहले ऐसे नेता रहे जिन्होंने किसानों के हित में जो भी निर्णय लिया वो किसान मजदूरों के पक्ष में ही निर्णय लिया है उन्होंने। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि एक बार एक थाने में वो सिविल आदमी बन करके सामान्य व्यक्ति बन करके पहुँचा और उन्होंने जन समस्याओं के बारे में अपनी पीड़ा बताई। थानेदार का बिहेव अच्छा नहीं था और वो भौतिक सत्यापन करने में उन्हें यह पता चला कि नहीं, अभी न्याय प्रिय व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कठोर उन्होंने निर्णय लिया, कार्रवाई किया। और भी कई उनके बहुत मजबूत निर्णय हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान और उनसे पहले एक जात विशेष लाला बिरादरी के
क्या होते थे वो पटवारी होते थे, पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी कि पटवारी शब्द हटा करके लेखपाल शब्द दिया, और लेखपाल शब्द देते समय उन्होंने व्यवस्था बनाई कि सभी जात सभी धर्म के लोग लेखपाल बन सकते हैं, कानगो बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं। इस तरह अनेक ऐसे फैसले लिए हैं, नहर बिजली व्यवस्था तमाम अपने जीवन काल में उन्होंने किया है। एक बार उनके जन्मदिन पर पुनः बधाई शुभकामना देते हुए हम समाजवादी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गोरखपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सीतापुर हॉस्पिटल के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाया, जिसके संबंध में IMA की नव निर्वाचित अध्यक्ष स्मिता जायसवाल ने बताया कि IMA की नई कार्यकारिणी के साथ मिलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही डॉक्टर की छवि को पब्लिक की छवि को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम पब्लिक के साथ मिलकर रक्तदान व वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, जिससे शहर को साफ और सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम लोग स्वास्थ्य मेला आयोजित कर गरीब लोगों का इलाज करेंगे और मंदबुद्धि बच्चों का भी इलाज करेंगे। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, IMA के मीडिया प्रभारी इमरान अख्तर सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। जब से हम लोग दिल्ली चल रही है ये 2017 से, मेयर गोरखपुर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आशुतोष दुबे CMO हमारे, डॉक्टर RP त्रिपाठी नव निर्वाचित अध्यक्ष, डॉक्टर स्मिता जायसवाल हमारे ट्रेजरर, डॉक्टर संजीव, सभा में उपस्थित हमारे सभी सदस्यगण, मीडिया कर्मी स्टाफ एवं अन्य सभी लोग, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत और अभिवादन करता हूँ। आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि आज हम लोगों को एक नया नेतृत्व मिलेगा। डॉक्टर स्मिता जायसवाल जो कि काफ़ी ऊर्जावान हैं और वो नेतृत्व करेंगी अपने ऊर्जावान सदस्यों के साथ, तो इसके लिए वो आप लोग काफ़ी जरूर बजाते हैं। मैं डॉक्टर मंगलेश का खास तौर से आभारी हूँ कि अपने व्यस्तम समय में उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों के साथ समय दिया, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, और अभी भी वो हमारे लिए एक सदस्य के समान ही व्यवहार करते हैं, ये बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए। हमारे CMO साहब ये हम लोगों का आज सौभाग्य कह सकते हैं कि आज पहली बार आ रहे हैं, जबकि 2 बार सर को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। पहली बार जब मेरा इंस्टॉलेशन था उसमें सर कहीं बाहर थे, डॉक्टर छिंगरन मेमोरियल नहीं सर उलाना नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर ये उलाना नहीं है सर, उस रिपोर्ट है नहीं सर सर उस समय बता चुके थे कि वो दोनों दिन जो है वो लखनऊ गए हुए थे किसी प्रशासनिक कार्य से। सॉरी वो सर डॉक्टर आशुतोष दुबे, मैंने क्या कहा जाए, डॉक्टर राजेश कमलपुर प्रेसिडेंट, डॉक्टर अमित मिश्रा सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर संजीव सिंह अब हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड सारे हमारे गुरुजन, जितने हमारे सीनियर्स कोलीग्स एंड जूनियर्स, आप सबका बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबने मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया। आशा है मैं आपकी आशाओं के अनुरूप खड़ी उतरूंगी अपनी सारी टीम के साथ। कुछ एजेंडे हैं, कोई लंबा नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम शॉर्ट है। एक तो ये है कि अपनी IMA को मजबूत बनाना है, काफ़ी मजबूत है, और भी मजबूत बनाएं उसको, सबकी सहभागिता उसमें रहे, हमारे सीनियर्स का आशीर्वाद रहे, उनका मार्गदर्शन रहे। जैसे डॉक्टर RP त्रिपाठी ने कहा, उनके बहुत अच्छे सुझाव थे,
इलेक्शन को लेकर बायलॉज एक कमेटी हो जो जितने अमेंडमेंट करने चाहे वो हो और उसके बाद उसको अपनी बार फाइल करा दिया जाए। तीसरी चीज की जितनी हमारी मेंबर्स बढ़े हैं हम लोग सब लोग कोशिश करें कि हमारे मेंबर्स बढ़े क्योंकि जितने जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ही आई एम ए मजबूत रहेगी और हम अपनी बात किसी के सामने बड़ी मजबूती से पेश कर सकेंगे। तो सबको उसमें प्रयत्न करना चाहिए, जितने भी नए आए हैं तो उनके लिए मोटिवेट करना चाहिए। तीसरा हमारी कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स है, पीएमएस है, रेलवेज है एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, वहाँ से बहुत कम लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनको मोटिवेट करें, पर्सनल कॉल्स करें कि आप आए, आप अपना सुझाव दें क्योंकि सबके सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग की राय में कि कोई भी मीटिंग हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी बातों को रखें, सबकी बातें सुनी जाएंगी और एक कंसेंसस से ही कोई काम होगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए आईएमए की नौ निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा, अपने आईएमए को मजबूत करना है और हमारी डॉक्टर्स की छवि को जनरल पब्लिक में अच्छा करना है, सोशल वर्क करना है अपने मेंबर्स के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। नहीं, जितने भी है जैसे पौधारोपण है, रक्तदान शिविर लगाएंगे और हेल्थ के लिए सारे करेंगे, हेल्थ मेलास करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, वो तो आगे कार्यकारिणी में डिसाइड होगा कि क्या करना है। कुछ नया आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी सीटेड। मेरा अपना सुझाव है कि हम एक बाल मेला ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मन बुद्धि बाल संस्थान के बच्चों को साथ में अपने जितने मेंबर्स हैं उनके बच्चों को या जो भी लेना चाहे उसमें पार्टिसिपेट करे उसको करें। मैरियन फाउंडेशन के द्वारा एक निजी होटल में गोरखपुर जोन के ICSE व CBSE के बेस्ट टीचरों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसके संबंध में मैरियन फाउंडेशन के ट्रस्टी अमरीश चंद्रा ने बताया कि मैरियन फाउंडेशन पिछले साल से ही ICUSE स्कूल के टीचरों को सम्मानित कर रहा है। हमने पिछले साल वादा किया था कि इसको बड़ा करेंगे और जोन के सभी बेस्ट टीचरों को सम्मानित करेंगे। इस साल गोरखपुर जोन के बेस्ट टीचरों को टैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें हमने ICSE व CBSE बोर्ड के सभी टीचरों को शामिल किया है जो कि 15 कैटेगरी में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 132 नॉमिनेशन आए थे, उसमें से 15 कैटेगरी में 3 लोगों को चयनित किया गया है जिनको सम्मानित किया गया है। Are so open to society in Gurupur, and there's much that we can do
both a society and a university. Thank you very much for your presence. We are conscious of the time that you have given to us, but we are absolutely blessed with your blessings. To the jury members, I must... I find that Mr. Chandra is honoring his own speech. That is, nothing can be better than that, because a student is the best person who can judge a teacher. And the certificate and testimonial from the student is the best testimonial, and that is the real judge of teacher teaching. And everything what he is doing or she is doing for his students. It is a very special, it is a very great initiative of St. Paul's to honor teachers, to promote excellence, to promote excellence in teaching. And also, the teachers are not just teachers, they are basically the one who shape the young minds. Okay, so they are the real mentors, and many of cases you find that the students are influenced more by the... इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए मैरियन फाउंडेशन के ट्रस्टी अमरीश चंद्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पूनम टंडन ने कहा, मैरियन फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर उठाया था टैग के जरिए, जिसमें कि हमने लास्ट ईयर क्या किया था कि जितने भी गोरखपुर में ICSE स्कूल्स हैं उनके 14 कैटेगरी में टीचरों को हमने उनको रिकग्नाइज किया था। मगर पिछले साल हमारा ये वायदा था कि हम इसको बड़ा करेंगे और गोरखपुर के तमाम जो जोन हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस साल टैग 2023 में हमने गोरखपुर जोन जो कहलाता है, जिसमें कि ये देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर ऐसी जिलाएँ, इन तमाम स्कूलों को हमने लिया है और ICSE और CBSE दोनों बोर्ड के स्कूलों को हमने लिया है। इसके साथ उस 14 कैटेगरी से एक नया कैटेगरी हमने डाला, जिसमें हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डाला। सो 15 कैटेगरी के ये अवार्ड्स हैं ICSE, CBSE और गोरखपुर और सारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो पहली बात आपको बताऊँ कि 132 नॉमिनेशन टोटल आए थे और उन 132 नॉमिनेशन में 15 कैटेगरी में जो लोगों को हमने चयनित किया है, तो हर कैटेगरी में 3 लोगों को हमने नॉमिनेट किया है और उनमें से एक विजेता है। मैं अमरीश चंद्रा, ट्रस्टी मैरियन फाउंडेशन। सेंट पॉल्स का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि टीचर्स को सम्मान देना ये करना, क्योंकि टीचर्स ही फ्यूचर की नींव रखते हैं और आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं। क्योंकि मैं तो खुद टीचर कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, तो इस सम्मान समारोह में लग रहा है कि मुझे ही सम्मान दिया जा रहा है। और एक टीचर को ऑनर करना, और आज मिस्टर चंद्रा ने अपने टीचर को भी सम्मानित करा, इससे अच्छा उनके लिए भी किसी टीचर के लिए कोई टेस्टिमोनियल नहीं हो सकता कि उसका स्टूडेंट उसको सबसे अच्छा मानता है। क्योंकि स्टूडेंट ही टीचर का बेस्ट जज है। तो बहुत अच्छा समारोह है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और गोरखपुर क्षेत्र के ICSE और CBSE के स्कूल्स के टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम आगे उम्मीद करते हैं इसका क्षेत्र और बढ़ेगा, इसका दायरा बढ़ेगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीचर्स। गोरखपुर के एम्स थाना की पुलिस टीम ने जालसाजी के मामले में फर्जी तरीके से काश्तकार बनकर जमीन बैनामा करने के आरोपी कुशीनगर निवासी लाल परिखन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जेके लाल के बेटे जतिन लाल को जमीन बैनामा किया था। इस मामले में पुलिस ने जतिन लाल समेत 4 पर केस दर्ज कर पूर्व छात्र नेता जितेंद्र सिंह व श्याम देव साहनी को जेल भेजा था। पूछताछ में ही लाल परिखन का नाम सामने आया था, जिसे पुलिस ने जेल भिजवा दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना एम्स द्वारा कुछ दिन पहले एक फर्जी जमीन के मालिक बन के फर्जी तरीके से फर्जी बैनामा भी करवा के लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था। उसमें 2 दलालों को जेल भेजा गया था। उसी विवेचना के अनुक्रम में आज जो फर्जी राधेश्याम बन के जो व्यक्ति प्रस्तुत हुआ था, जिसका सही नाम लाल परिखन साहनी है, उसने वहां पे रजिस्ट्री के समय बताया कि मैं ही सही राधेश्याम हूँ। यह व्यक्ति जो पूर्व में गिरफ्तार हुए दलाल हैं उनके परिचित था, उसकी उम्र करीबन 70 साल है। ये राम परिखन साहनी है, इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति को वहां खड़े होने के लिए 50,000 रुपये प्राप्त हुए थे, जो कि कुल लागत है उससे बहुत कम है। और इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाली कई गैंग हैं, इन सबके खिलाफ समय समय पर थाना एम्स द्वारा भी और जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा समय समय पर जनता को आगाह किया गया है। और दोबारा इस माध्यम से अपील करते हैं आप सबके माध्यम से कि अगर कोई भी व्यक्ति इस फर्जीवाड़े के इस तरह का शिकार हुआ हो तो जनपद गोरखपुर पुलिस को अवगत कराएं, आपको न्याय दिलाने का पूर्ण भरसक प्रयास किया जाए। सर, कितने नामजद थे, कितनी गिरफ्तारी हुई?
इसमें 8 लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है, इसमें 3 लोग अभी तक जेल जा रहे हैं। नायब तहसीलदार जीवेंद्र त्रिपाठी व थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह की अध्यक्षता में बेलीपार थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। नायब तहसीलदार और बेलीपार थाना प्रभारी द्वारा एक एक करके सभी की समस्याएं सुनी गई। मामले के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मामले को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर महानगर के यातायात तिराहे पर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद के अगुवाई में यातायात पुलिस द्वारा यातायात तिराहे पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आरोप में दर्जनों ई रिक्शा का चालान किया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक ने चालकों को यथाशीघ्र ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। महानगर में लगभग 4000 ई रिक्शा चल रहे हैं, इसमें से करीब 50 चालकों ने ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। ई रिक्शा चालकों के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिनके पास डीएल नहीं है, जो फिलहाल डीएल के रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। रिक्शा का चालान किया गया होगा, एक्चुअल संख्या भी काउंट करके बताई जाएगी। ये अभियान लगातार चल ही रहा है, अभियान चलाया जा रहा है जो बिना परमिट के साइड में चल रहा है या जो बिना लाइसेंस के चल रहा है, तो क्या ये उसका नियम फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए, वही सब चेकिंग अभियान चल रहा है, जो नियम फॉलो नहीं कर रहा है उनके खिलाफ यातायात नियमों पर कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर थाना राजघाट पर जन सुनवाई की समीक्षा व थाने का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जन सुनवाई रजिस्टर के माध्यम से 2 प्रतिवादियों से फोन पर वार्ता कर फीडबैक लिया गया और IGRS पोर्टल पर प्रतिदिन प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों के प्रतिवादियों को थाने से फोन मिलाकर अगले ही दिन थाने पर बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने व थाने पर निलंबित विवेचना को अतिशीघ्र गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर का निरीक्षण किया गया और थाना अध्यक्ष राजघाट व थाने पर नियुक्त अनुचर को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए।